वेलकम टू स्टडी मटेरियल बाई डी एस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल बाई डी एस में। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक फिर से गुड न्यूज़ सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इंटेक 2x2019 बैच से जुड़ी एक और गुड न्यूज़ आपके लिए फिर से हाजिर है। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कि बाई ग्रुप के ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि एक और ASC से जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो अब आने लगे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा उन कैंडिडेट्स से जो इस ASC से जुड़े हैं तो वो इस वीडियो को ज़रूर ही पूरा देखें। साथ ही उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जो इंडियन एयरफोर्स की हर जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो वो भी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कितनी रैंक तक का जो भाई ग्रुप का ज्वाइनिंग लेटर है वो ASC से आया है, कितनी रैंक तक आपके आ सकते हैं, तो आपको सब कुछ बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि जिनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है अभी तक तो वो क्या करें। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट ऑन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट हम आपको देते रहें और उनका वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी आशा के साथ कि आप वीडियो में लास्ट तक जब बने रहेंगे तो हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में जो भी गलतियाँ हों प्लीज़ उन्हें क्षमा करने की कोशिश करें, क्योंकि क्षमा से बड़ा कोई दान नहीं है। तो आप लोग इतना सब कुछ मेरे लिए तो थोड़ा सा कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो ज्वाइनिंग लेटर दिखा देता हूँ जो मैंने थंबनेल में लगा रखा है। तो देखिए, वो है ज्वाइनिंग लेटर का ऊपर का कवर, इसी में जो ज्वाइनिंग लेटर मैंने लगा रखा है थंबनेल में वो रख के आया है। ये जो ज्वाइनिंग लेटर है वो अभिषेक रंजन का है और इनके पिताजी का नाम है राम विनोद शर्मा। ये डिस्ट्रिक्ट पटना से हैं, इनका स्टेट जो है वो बिहार है। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये बिहार के हैं और इनका ये ज्वाइनिंग लेटर बाई ग्रुप के अंदर आया है। आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स की ये सील आप लगी हुई देख रहे हैं, फुल्ली प्रूफ है, इसमें कोई मिलावट नहीं है या फिर किसी तरह का फेक मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। चलिए मैं आपको वो ज्वाइनिंग लेटर भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा वो ज्वाइनिंग लेटर, थोड़ा जूम करूँगा तब आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो देखिए ये रहा वो ज्वाइनिंग लेटर, अभिषेक रंजन आपको नाम दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है और इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 17/9/1999 है। दोस्तों, इसमें आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ कि कॉल लेटर फॉर द एनरोलमेंट इन द इंडियन एयरफोर्स ग्रुप बाई टेक एंड नॉन टेक। साथ ही नीचे लिखा हुआ है मैन, इनका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो मैन के रूप में आया है, स्टैंड बाई में इन्हें नहीं रखा गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, खुशखबरी है। तो मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा अभिषेक रंजन को कि आपने बहुत मेहनत की, खुद को धैर्य से बनाए रखा। तो देखिए ये आपका परिणाम आपके सामने है, आपने जिस तरह से मेहनत की, जिस तरह से लगन से आप लगे रहे, उस परिणाम को आप देखिए। अब जो सक्सेस का मज़ा आपको आ रहा होगा उसे तो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। तमाम दुआओं के साथ, तमाम बधाइयों के साथ हम अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको जुड़ी हुई वो सारी जानकारी देना चाहेंगे जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो इसमें लिखा है, आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर प्रोविजनली बीइंग कॉल्ड एज मैन कैंडिडेट फॉर द एनरोलमेंट इन ग्रुप बाई टेक एंड नॉन टेक इन द इंडियन एयरफोर्स ऑन 26/6/2019 एज एयरमैन। यू आर हियरली डायरेक्टेड टू रिपोर्ट अलॉन्ग विद दिस कॉल लेटर एट 06:30 ऑन 22/6/2019। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इन्हें मैन कैंडिडेट के रूप में ग्रुप बाई टेक एंड नॉन टेक के लिए 22/6/2019 में बुलाया गया है। और आपको बता दें कि जो कॉल अप लेटर है, ये सबसे बेहद ज़रूरी बात जो को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ये आप देखिए 7 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर नंबर 1 Q1 रोड बेंगलुरु कर्नाटका। जी हाँ दोस्तों, ये जो कॉल अप लेटर है वो 7 ASC से आया है। तो जो लोग भी 7 ASC से जुड़े हुए हैं या फिर इससे जानकारी चाहते हैं तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि 7 ASC से भी आपका ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो गया है। तो आपको किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा धैर्य बनाए रखें, आप लोगों के पास भी आपका ज्वाइनिंग लेटर ज़रूर से ही आ जाएगा अगर आपकी मेहनत सफल होती है। तो प्लीज़ आप हमें बस एक मैसेज करके बता देना हमारे स्टडी ग्रुप पर जो नंबर है 9794339265, ताकि हम बाकी कैंडिडेट्स को भी बता सकें, ताकि वो लोग भी तसल्ली बनाए रखें। चलिए आगे आपको थोड़ा और बताते हैं कि इन्हें 22/6/2026 के बीच बुलाया गया है और इनसे कहा गया है कि इस कॉल अप लेटर को अपने साथ में लेकर आए। बाकी आप सभी को पता है कि किस तरह की जो प्रोसेस होती है वो आपको मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो अभिषेक रंजन हैं वो हमारे स्टडी ग्रुप पर ऐड हैं और उन्होंने कल
ये अपना जो ज्वाइनिंग लेटर है वो हमारे साथ शेयर किया था शाम को लगभग 7 बजे, लेकिन हमने कल वीडियो नहीं बना पाया, आज बनाया और इन्हें इनके बारे में बताया आपको। साथ ही आप देखिए कि इंडियन एयरफोर्स की सील लगी हुई है, तो किसी तरह का ये आपको डाउट तो नहीं होना चाहिए या किसी तरह से फेक तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सब कुछ रियल है, ओरिजिनल है। अब हम आपको बताएंगे अभिषेक रंजन से हुई हमारी वो बातचीत, ताकि आप लोग थोड़ा और श्योर हो सकें। तो चलिए आपको व्हाट्सएप पर ले चलते हैं अपने, और वहीं से आपको आगे का वीडियो हम बताते हैं। तो देखिए, अब से एक स्टडी ग्रुप के नाम से हमने इनका नंबर सेव कर रखा है हमने इन्हें अलग से, वैसे तो स्टडी ग्रुप पर ये ऐड है, लेकिन हमने इनसे अलग से जब बातचीत की तो आप देख सकते हैं अब से एक स्टडी ग्रुप इनकी ये पिक है, आप इन्हें पहचान सकते हैं। ये भी वही वो बंदा है जो आप लोगों के जैसा ही है, और उसने मेहनत की तो आज सफल है। इनका नाम है अभिषेक रंजन, और इन्होंने हमें बताया था कि 7 ASC से हूँ भाई, बाई ग्रुप में हूँ, ये भी इन्होंने ही बताया था हमें। साथ ही इन्होंने, जो कि आपके जानना बहुत ज़रूरी है, कि इनकी जो PSL रैंक है वो 956 है, 956 PSL रैंक है बाई ग्रुप के अंदर, तभी इनका ज्वाइनिंग लेटर आया है। तो इन्होंने हमसे पूछा था मैन में आएगा या नहीं, तो मैंने कहा था स्टडी ग्रुप पे मैंने आपको ऐड कर दिया है, बाकी सारा डिस्कशन हम वहीं पे करेंगे। उसके बाद कल शाम को इन्होंने, देखिए जो आपको मैंने दिखाया था वही है, इसमें कोई आपको डाउट्स नहीं होने चाहिए। तो जो ज्वाइनिंग लेटर कल इन्होंने शेयर किया था वो देखिए ये है, जो मैं भी आपको दिखा रहा था, लिखाया अभिषेक रंजन, बाकी सब कुछ वही है, एकदम ओरिजिनल है, किसी तरह का कोई मैंने मिलावट नहीं की है या किसी भी तरह से ये फेक नहीं है। तो मैंने इन्हें बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, आपकी मेहनत सफल हो गई, तो इन्होंने कहा थैंक यू ब्रदर, और इसके बाद इन्होंने अपनी बात यहीं पे ख़त्म की। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि YouTube एक ऐसा माध्यम है कि आप लोगों के दिलों में जुड़ सकते हैं। ये बिहार से हैं, मैं UP से हूँ, कोई किसी तरह की कोई रिश्तेदारी नहीं है, फिर भी हम लोग इतने जुड़े हुए हैं, क्या है, यही तो है बस प्यार मोहब्बत। यूट्यूब एक ज़रिया नहीं है केवल पैसा कमाने का, बल्कि एक माध्यम है लोगों के दिलों में जगह बनाने का, लोगों से प्यार मोहब्बत से बात करने का, क्योंकि भारत का ये हमेशा से ही लॉजिक रहा है या फिर धर्म है कि सभी को अपने दिलों में बसा कर रखना है। बस मेहनत करनी है, जी तोड़ झकझोर देना है, खुद को तपा देना है, खुद को संघर्ष की आंधी में कोई भी सिचुएशन हो, बस खुद को धैर्यवान बनाए रखना है, तो देखिए सफलता एक दिन आपका कदम ज़रूर चूमेगी। तो दोस्तों, अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों का जो कॉल अप लेटर है अभी तक नहीं आया है, तो उन्हें किसी भी तरह से चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अपने नज़दीकी ये उसमें क्या कहना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाइए और वहाँ से जाकर आप अपना पता कीजिए कि आपके नाम से कोई कॉल अप लेटर आया है क्या। अगर आया होगा तो ज़रूर ही आपके आपको वो दे देंगे, अगर नहीं आया होगा तो अगले 2 या 3 दिन में आ जाएगा। किसी भी तरह की चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग अपनों आपको धैर्य से बनाए रखें, आपकी भगवान ज़रूर सुनेगा, आपकी मेहनत एक ना एक दिन ज़रूर सफल होगी। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ, इसी दुआओं के साथ मैं लेता हूँ आपसे इस वीडियो में विदा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बीच शेयर जरूर करना, ताकि उन लोगों को भी तसल्ली हो, उन लोगों को भी पता चल सके कि 7 ASC से भी अब वाई ग्रुप के ज्वाइनिंग लेटर आने लगे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और आज का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अभिषेक रंजन को एक बार फिर से दिल से शुभकामनाएँ।